खुद से जीतने और खुद से सीखने वालों को मेरा सलाम। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल NHICS MPPSC में। आज हम देखेंगे यूनिट 10 का टेस्ट, तो चलिए शुरू करते हैं 71 नंबर क्वेश्चन से। जनजातियां जिनका नाम उन्हें प्रायः द्वीपीय भारत के पुराने हिस्से से मिला है, आपके विकल्प है गौर, कीकर, भील, अंगा। तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा गौर। तो अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के आदिवासियों में किन महिलाओं को गोधारिन कहा जाता है? तो आपके विकल्प हैं चिकित्सक, ओझा, सफाई वाली और गुदना कलाकार। तो यहाँ आपका सही आंसर होगा गुदना कलाकार। गौंड जनजाति के प्रमुख देवता हैं? तो यहाँ पर आपके विकल्प हैं बूढ़ा देव, ठाकुर देव, दूल्हा देव, ये सभी। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ठाकुर देव। अगला प्रश्न है, गौंड जनजाति में दूध लौटावा प्रथा संबंधित है, आपके विकल्प हैं जन्म से, मृत्यु से, विवाह से या तांत्रिक क्रिया से। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा विवाह से। गौंड जनजाति में दूध लौटावा प्रथा विवाह से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घोटुल प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? तो यहाँ पे आपके विकल्प हैं भील, गौंड, कमार, बैगा। आपका सही आंसर है गौंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादरिया नृत्य किसका नृत्य है? तो आपके विकल्प है यहाँ पे गौंड, भील, सहारिया, बैगा। आपका सही आंसर होगा गौंड। मध्य प्रदेश की गौंड जनजाति से कौन सा लोक नृत्य संबद्ध है? आपके विकल्प हैं कर्मा, गरबा, जवारा, भगोरिया। आपका सही आंसर होगा कर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति लौह शिल्प में निपुण मानी जाती है? आपके विकल्प हैं अगरिया, कोरकू, बैगा, सहरिया। तो आपका सही आंसर होगा अगरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैत्र उत्सव नृत्य मध्य प्रदेश में किस जनजाति में होता है? आपके विकल्प हैं गौंड जनजाति में, बंजारा जनजाति में, बैगा जनजाति में या फिर कोरकू जनजाति में। आपका सही आंसर होगा ए, गौंड जनजाति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौंड जनजाति के पुजारी किसे कहा जाता है? आपके विकल्प हैं इनमें से कोई नहीं, वेवात, ओझा, देवरी। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा सी, ओझा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भिलाला जनजाति का मूल स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में माना जाता है? तो यहाँ पे आपके आंसर हैं यहाँ पे आपका विकल्प है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान या फिर बिहार। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा बी, छत्तीसगढ़। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भगोरिया मेला किस जाति से संबंधित है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है भील, अगरिया, कोल, बैगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ए, भील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के जनजातीय लोगों द्वारा मनाए जाने वाले भगोरिया हाट महोत्सव का मुख्य आकर्षण क्या है? तो यहाँ पे आपके विकल्प हैं नृत्य व संगीत का त्यौहार, रंगों का त्यौहार, नृत्य प्रस्तुति, प्रेम का त्यौहार। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा डी, प्रेम का त्यौहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगोरिया हाट किस जिले में होता है? तो यहाँ के आपके विकल्प हैं ग्वालियर, सतना, झाबुआ, बालाघाट। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा सी, झाबुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीलों के मकानों को क्या कहा जाता है? कू, सू, हू, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ए, कू। भीलों के मकानों को कू कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली जनजाति है?
आपके विकल्प हैं भील, कोरकू, गोंड, बैगा। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए भील। भीलों के द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? आपके विकल्प हैं चिमाता, बेवार, झूमिंग, पढ़त। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा सी झूमिंग। सॉरी, मैं यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो गई। इसका आंसर होगा ए चिमाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भील जनजातियों का समुदाय मूल रूप से है। आपके विकल्प हैं कृषक, व्यापारी, शिकारी और योद्धा, खानाबदोश, चरवाहे। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा सी शिकारी और योद्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगोरिया एक है बसंत त्योहार, ग्वालियर के भीतरी भाग की एक जनजाति, चंदेल शासकों के कला का एक प्रकार, मार्गी में स्थित गुफा मंदिर। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ए बसंत त्योहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीलों का निवास स्थल क्या कहलाता है? तो यहाँ पे आपके विकल्प हैं ए माल्या, आल्या, फाल्या, भिल। तो यहाँ पे आपका करेक्ट करेक्ट आंसर होगा सी फाल्या। भीलों का निवास स्थल को फाल्या कहते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भगोरिया उत्सव निम्न में से किस क्षेत्र में आयोजित किया जाता है? तो यहाँ पे आपके विकल्प हैं इंदौर, भोपाल, होशंगाबाद, झाबुआ। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा बी झाबुआ। भगोरिया उत्सव झाबुआ में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने स्थानों पर इस वर्ष भगोरिया उत्सव मनाया गया था? तो यहाँ पे आपके विकल्प हैं 34, 32, 33, 31। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ए 34। वर्तमान में मध्य प्रदेश के 5 जिलों के 176 स्थान पर भगोरिया पर्व का आयोजन किया जाता है। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी अलीराजपुर की एक प्रमुख जनजाति है? तो आपके विकल्प हैं भिलाला, खासी, कोरकू, बिजरिया। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ए भिलाला। मध्य प्रदेश की किस जनजाति का लोक नृत्य भगोरिया है? आपके विकल्प हैं गोंड, भील, बैगा, सहरिया। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा बी भील। भगोरिया पर्व मध्य प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? आपके विकल्प हैं झाबुआ, भोपाल, देवास, उज्जैन। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ए झाबुआ। मध्य प्रदेश की निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी सांस्कृतिक पहचान भगोरिया नृत्य शैली है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है बैगा, सहरिया, भील, गोंड। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा सी भील। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाए जाने वाली जनजाति कौन सी है? तो यहाँ पे आपके विकल्प हैं गोंड, कोरकू, भील, कोल। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी भील। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भगोरिया उत्सव मध्य प्रदेश के भील जनजाति द्वारा मनाया जाता है। भगोरिया उत्सव मध्य प्रदेश के गोंड जनजाति द्वारा मनाया जाता है। भगोरिया उत्सव मध्य प्रदेश के कोरकू जनजाति द्वारा मनाया जाता है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ए भगोरिया उत्सव मध्य प्रदेश के भील जनजाति द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीलट बाबा कौन है? भारिया के प्रमुख देवता, भीलों के प्रमुख देवता, बैगा के प्रमुख देवता, या फिर सहरिया के प्रमुख देवता? तो आपका आंसर है बी भीलों के प्रमुख देवता। भगोरिया पर्व किस त्योहार से संबंधित है? आपके विकल्प हैं नववर्ष, होली, दीपावली, दशहरा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होली। भगोरिया पर्व होली त्योहार से संबंधित है। भील जनजाति का प्रमुख पर्व है भगोरिया, कर्मा, बिद्री,
या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ए भगोरिया। भीलट बाबा कौन है? भीलट बाबा कौन है? आपके विकल्प हैं भारिया के प्रमुख देवता, भीलों के प्रमुख देवता, बैगा के प्रमुख देवता या फिर सहरिया के प्रमुख देवता। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा बी भीलों के प्रमुख देवता। तो यहीं पे आज की हमारी क्लास समाप्त होती है।